रविवार की रात को जो शर्मनाक, विभत्स, दर्दनाक बलात्कार की घटना घटी है, उसमें लिप्त चार अपराधी हम लोगों ने पकड़ लिए हैं। उनमें से तीन अधिकारी तो 24 घंटे के अंदर पकड़े गए थे और दो अपराधी अभी पकड़े जाने बाकी हैं। जो अपराधी पकड़े गए हैं उनके नाम है राम सिंह, जो इस बस का ड्राइवर है, जो एक चार्टर्ड बस है एक स्कूल का, और ऑफ ड्यूटी आवर्स में राम सिंह ड्राइवर उस बस पर अपने दोस्तों के साथ जॉय राइड पर निकला और उसने करीब 9:30 के बीच, रात के बीच, मुनिरका बस स्टैंड पर खड़े इस कपल को आवाज देकर बुलाया कि उसकी बस द्वारका जा रही है। तो ये कपल उसमें चढ़ गए ये सोचकर कि शायद ये पब्लिक कैरिजवे है। उनसे 10-10 रुपए के टिकट भी उनको दिए गए, 10-10 रुपए लिए गए और थोड़ी देर के बाद उनके साथ बदसलूकी शुरू हो गई। जब जो मेल मेंबर था उसने एतराज किया, हम लोग जानबूझकर नाम नहीं बता रहे आप लोगों को, जब एतराज किया तो उसको मारा पीटा गया। उसने काफी बहादुरी से उनसे लड़ने की कोशिश की और अपने साथ जो महिला थी उसको बचाने की कोशिश की और महिला ने भी अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की। उसके बाद महिला को बस के पीछे वाले पोर्शन में ले जाया गया जहां उसके साथ बलात्कार किया गया। बाद में जैसा कुछ अखबारों में पहले भी आ चुका है, इन लोगों को साउथ और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर उनको डंप कर दिया गया था। पीछे का जो बस का पीछे का गेट था वो बंद था, वो खुल नहीं सकता था, सील्ड था बल्कि, इसलिए आगे वाले गेट से उनको बाहर गिरा दिया गया। हम लोगों को सूचना मिली, फौरन वहां पुलिस गई और एक क्लू ये मिला कि उस बस पर कुछ लिखा हुआ था जो बाद में पता चला यादव है। यादव लिखा हुआ था, बस सफेद रंग की थी और उसको एक लग्जरी बस के तौर पर बनाया हुआ था। इस बेसिस पर तफ्तीश शुरू हुई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से और अन्य सूत्रों से। 370 ऐसे बसों की सूची मिली जो कि चार्टर्ड या प्राइवेट बसेस हैं जिनका इस्तेमाल दिल्ली में होता है। उसके बाद पेनस्टेकिंगली उसको एलिमिनेट करके और हमें मदद इससे मिली कि उस पर यादव लिखा हुआ था। फिर फाइनली हम लोगों ने किसी को लोकेट किया जो खुद एक ट्रांसपोर्टर है और उसका नाम भी यादव है। उसने कहा कि ये मेरा नहीं हो सकता, हो सकता है आप उनका फला आदमी का है, आप उनका जाके देखिए। जब हम लोगों ने उनको चेक किया तो वहां पर आरकेपुरम सेक्टर 3 में ये बस हमें मिल गई। उस बस के जब फॉरेंसिक से जांच कराई गई तो हम लोग आश्वस्त हो गए कि वो वाकई वही बस है जिसमें कि ये विभत्स घटना घटी है। उसके बाद वो ड्राइवर को उठाया गया। ड्राइवर ने पहले मानने से इनकार किया कि उसने ये काम किया है। बस को पूरी तरह से धोया जा चुका था लेकिन कुछ समय के इंटरोगेशन के बाद कल शाम को उसने पूरी बात बता दी और उसने बताया कि मेरे साथ मेरा भाई मुकेश, जिसको अभी हमारी टीम
राजस्थान से पकड़कर ला रही है, अभी भी पहुंची है दिल्ली। और एक विनय शर्मा नाम का उसका दोस्त है जो एक असिस्टेंट जिम इंस्ट्रक्टर है, और एक पवन गुप्ता लड़का है जो फ्रूट सेलर है, सेब फल बेचता है। तो ये चार लोग यानी राम सिंह, मुकेश उसका भाई मुकेश, विनय शर्मा और पवन गुप्ता, ये चार लोग लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और दो जो अन्य लोग हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, वो लोग शहर छोड़कर भागे हुए हैं, उनके लिए टीम्स गई हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उनको भी पकड़ लेंगे। हम लोग कोर्ट में ये दरखास्त करेंगे कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक ट्रायल किया जाए, डे टू डे बेसिस पर इसका ट्रायल हो और जल्द से जल्द इन लोगों को सजा मिल सके। जो विक्टिम है वो अभी सीरियस है, लेकिन पहले से उसकी उसका हाल पहले से उसमें सुधार हुआ है, और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहे। तो इस घटना और इस तफ्तीश का ब्यौरा यही तक है। अब सवाल कोई हो तो बताइए। चारों का बैकग्राउंड क्या है? नहीं, मैंने बताया, एक तो राम सिंह है, वो तो बस का ड्राइवर ही है, वो आरके पुरम सेक्टर 3 के झुग्गियों में रहता है। मुकेश उसका भाई है, वो भी वहीं रहता है। ये एक जो भागा हुआ लड़का है अक्षय ठाकुर, वो औरंगाबाद बिहार का रहने वाला है, वो भी वहीं रहता है। चौथा जो पवन गुप्ता है वो भी फ्रूट सेलर है, वहीं का रहने वाला है। सब ज्यादातर वहीं के रहने वाले। प्रीवियस कितना नहीं रिकॉर्ड नहीं है सर, दूसरा कौन है? सिर्फ एक ही इन्वॉल्वमेंट निकला है, वो भी अभी कंफर्म करना है कि ये शायद किसी एक्सीडेंट केस में राम सिंह पहले इन्वॉल्व रहा है। सर, दूसरा इंसिडेंट जो होता है मुनिरका में होता है, लड़की को ले जाकर दम किया जाता है साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, वो इतना कोई सब फिक्सिंग कुछ नहीं होती, कोई बस को रोका नहीं जाता, कहीं कुछ लगता है इसको चूक है सर पुलिस के साथ? देखिए, आप पता नहीं आप उसमें आपने उस सड़क पर कभी ट्रैवल किया कि नहीं, और उस वहाँ कितनी भीड़ होती है और कितना ये होता है, तो ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली हर बस को, हर ट्रक को, हर गाड़ी को रोककर चेक करना, कोई SOS, कोई ऐसा संकेत अगर कभी मिलता रास्ते में किसी को तो शायद उसको रोक कर चेक किया, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। वो उस पर पर्दे लगे हुए हैं, वो डिलक्स बस है और उस रोड पर अप्लाई कर रही है, प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं था। सर, दूसरा, जो आपने पहली बार चार्ज लिया था तो आपने कहा था कि जो आपसी संबंध है पुलिस के बीच में और जनता के बीच में उसे सुधारेंगे, जिससे क्राइम ग्राफ घटेगा और जो महिलाओं को है प्रोटेक्शन दी जाएगी, लेकिन जितनी भी अभी जितने ये घटना के बाद जितनी भी जो हमारी बाकी मीडिया है उन्होंने जितनी भी रात में स्टोरी चलाई उसमें बारी जितनी भी बैरिकेडिंग थी उसमें अधिकतर पे पुलिस वाले सोए पाए गए, और जितना भी जो संबंध की बात थी तो उससे आपसे जानना चाहता हूँ आपके आपके इस बयान के बाद जो संबंध है वो कितने सुधरे हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस घटना के संदर्भ में कृपया कोई व्यक्तिगत या कोई हल्का सवाल न करें, ये काफी गंभीरता और काफी संजीदगी का मामला है, तो जरा हम लोगों को उत्तरदायित्व समझते हुए इस मौके पर सवाल पूछना है। आप जो सही सवाल है, रिस्पॉन्सिबल सवाल है, वैसे ही सवाल करें। एक मिनट, बट आई स्टिल वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड टू वन पार्ट ऑफ हिज क्वेश्चन विच परटेन्स टू पुलिस पब्लिक कॉन्टैक्ट। सी, नेवर बिफोर, एंड माई ऑफिसर्स विल एंड मे बी इवन यू विल वाउच फॉर इट, हैज the police public interface been so close and so intense as it has been
in the past five and a half months. You are aware of our special program called Jan Sampark. We advertise in the papers, in the dailies, and our senior officers, including me, we are meeting people regularly. I myself met several residents only last week in Defence Colony. Okay, and the additional commissioners, the deputy commissioners, they put out public notices in the papers, and then they go and meet people. People are encouraged to come with their grievances in writing, and most of the grievances are addressed then and there. This Jan Sampark has been a great success. So as far as police public contact is concerned, we have done very well. जहाँ तक कोर्ट में हमारी दलील का सवाल है और हमारी प्रार्थना का सवाल है, वो जो इसमें सबसे सीवियर पनिशमेंट हो सकती है, जो लाइफ सेंटेंस है, उसकी हम दरख्वास्त करेंगे. और जहाँ तक लॉ को और स्ट्रिक्ट बनाने का या डेथ सेंटेंस ऐसे केसेस में देने का, ये फैसला जो है वो सरकार को है, हम उसका प्रपोजल जरूर भेजेंगे.